गूगल पर रेबीज सर्च करते हैं तो खबरें आती हैं। उनमें से ज्यादातर में रेबीज से किसी की मौत की होती है। रेबीज भारत में बहुत बड़ी समस्या है। इलाज महंगा होने के कारण लोग सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी अस्पतालों से रेबीज का टीका गायब होता है। अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के एक डॉक्टर उमेश भारती की खोज के बाद अब कुत्ते, बंदर या किसी भी आवारा जानवर के काटने से मरीजों की मौत नहीं होगी और उन्हें इलाज मिल जाएगा। डॉक्टर रमेश भारती की खोज रेबीज इम्यूनोग्लोबिन नाम के सीरम को घाव पर लगाने को ब्लड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दे दी है। इससे इलाज पर कम खर्च के साथ साथ सीरम की भी बचत होगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर साल दुनिया में होने वाली रेबीज की लगभग 36% मौत भारत में होती है। इनमें से ज्यादातर मासूम बच्चे होते हैं जो संक्रमित कुत्तों के संपर्क में आकर बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पागल कुत्ते या बंदर के काटने से एंटी रेबीज की वैक्सीन स्किन में लगाने के अलावा सीरम को घाव और मांसपेशियों में लगाया जाता है। डॉक्टर भारती के शोध ने यह साबित कर दिया है कि रेबीज इम्यूनोग्लोबिन सीरम को सिर्फ घाव पर लगाया जाए तो ये जल्द असर भी करता है और दवाई भी कम इस्तेमाल होगी। भारती पिछले 17 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। साल 2014 में 269 मरीजों पर इस सीरम का उपयोग किया गया जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इस सीरम के प्रयोग करने से मरीजों के खून में किसी भी तरह का वायरस नहीं पाया गया। इसके अलावा सीधे घाव पर सीरम लगने से दवाई कम लगती थी। बेंगलोर के निमहांस से टेक्निकल क्लियरेंस के बाद हिमाचल में इसका प्रयोग 2014 से शुरू हो चुका था। WHO की मान्यता के बाद अब देश और दुनिया में भी इस सीरम का प्रयोग होगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, नई दिल्ली।